सो है गाइस, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में। एंड आज हम जो शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड। बजाज हिंदुस्तान शुगर में कल के दिन आपको यूसी लगता नजर आया और आज आप देखोगे स्टॉक ने हाई जरूर लगाया 16.90 रुपये का, बट स्टॉक के अंदर करेक्शन देखने को मिला है। इसका बड़ा रीजन क्या है? एक तो आप देखोगे कल के दिन जो यूसी लगा, एक तो वही सबसे बड़ा रीजन है, और स्टॉक में आज के दिन आपको लगभग 2-3% के आसपास जो अभी सुबह सुबह जो तेजी है वो बनते नजर आई थी, ठीक है। उसके बाद स्टॉक में ऊपर लेवल से हमें जनाब करेक्शन देखने को मिला है। तो यहां पर जो स्टॉक में तेजी बनी है आप देखोगे लगभग जो गिरावट हुई है 2.44% की, इसके पीछे का रीजन क्या है? नंबर एक है प्रॉफिट बुकिंग, जहाँ ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। और जो दूसरा रीजन है वो आप देखोगे मार्केट का, मार्केट में जो क्रैश है ना उसकी वजह से आपको स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली है। तो ये दो रीजन है सबसे बड़ा जिसकी वजह से आप देखोगे स्टॉक के ऊपर बिकवाले का दबाव बढ़ा और स्टॉक में हमें जो ना भाई करेक्शन देखने को मिला है। तो अब यहाँ से क्या स्टॉक के अंदर कल के दिन हमें फिर से रेगुलर तेजी देखने को मिलेगी या फिर नहीं, स्टॉक के क्या रहने वाले नीचे में एसएल वगैरह स्टॉप लॉस हमें क्या लेकर चलना चाहिए, ऊपर में क्या इसका रेजिस्टेंस रहेगा, कल के लेवल्स आपको बताएंगे वीडियो में। तो यहां पर आप देखोगे भाई आज का जो डाटा देखने को मिला है, प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी 1640, ओपन हुआ 1680 पर, हाई लगाया 1690 का, और उसके बाद स्टॉक से हुआ ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग। जी हाँ, प्रॉफिट बुकिंग होते ही आप देखोगे स्टॉक में क्रैश होना स्टार्ट हुआ और स्टॉक हमें जो ना भाई लगभग 2.5% की गिरावट में हाल फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में जो लो लगाया है 15.85 रुपये का स्टॉक ने आज की डेट में लो भी लगाया, तो यहाँ पर आप देखोगे लगभग 4% के आसपास स्टॉक में करेक्शन आई है, 3.5-4% के आसपास। और यहाँ पर जो डाटा सामने निकल कर आया आप देखोगे 99,50,000 क्वान्टिटी हमें जो वॉल्यूम नजर आई है वो है, और जो ऑर्डर लगा हुआ सेलिंग के लिए एक बड़ा 2,39,874 क्वांटिटी का, ये एक बड़ा सेल ऑर्डर आप जिसको बोल सकते हो जो मार्केट प्राइस पर लगा हुआ है 15.95 रुपये जो स्टॉक हमें क्लोज होते हुए नजर आया है। डिलीवरी पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे 99 लाख के आसपास आपको ट्रेडेड क्वांटिटी, डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करें तो 46 लाख, यानी कि 46% डिलीवरी आज के दिन उठाई गई है। तो डिलीवरी एक अच्छी उठती नजर आई है, बट ये जो सेल ऑर्डर है ना इसके चलते आप देखोगे स्टॉक आपको गिरावट में ओपनिंग लेते हुए नजर आ सकता है। उसके साथ साथ आप देखोगे जो ग्लोबल मार्केट है वो तो हमें पॉजिटिव देखने को मिल रही है, लेकिन इंडियन मार्केट आपको आज फिर फॉल होते हुए नजर आई है। और प्रीवियस सेशन में भी मार्केट में हमें जो बंद हुई थी मार्केट वो फ्लैट बंद होते हुए नजर आई है। तो चलिए भाई देखते हैं क्या हो सकते हैं कल के लेवल्स। तो चलो, तो यहाँ पर आप देखोगे जैसा कि आपको देखने को मिला एक दिन तो आपको स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट होते हुए नजर आया और स्टॉक में एक अच्छी तेजी बनी, लेकिन ओपनिंग स्टॉक ने अच्छी दिखाई ऊपर में आप देखोगे, बट ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हुआ तो स्टॉक के अंदर हुआ एक बड़ा ब्रेकडाउन आज के दिन। जी हाँ, यहाँ पर आप देखोगे बड़ा ब्रेकडाउन स्टॉक में हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप लोग स्टॉक के अंदर फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो तो अभी वेट कीजिए, अगर फिर भी आप शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हो तो नीचे में आपको एसएल लेकर चलना चाहिए। सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे हमारा सपोर्ट रहेगा 15.40 रुपये का, ठीक है, 15.40 का सपोर्ट है। अगर आप लोग स्टॉक के अंदर एंट्री लेना चाहो तो आपको सुबह एंट्री ले सकते हो, बट आपको देखना है कि आपको एसएल क्या लेना है। आपको 15.40 रुपये का जो इसका नीचे में सपोर्ट है ना, ये आपको एसएल लेना है, ठीक है, शॉर्ट टर्म वालों के लिए। तो ये है आपको 15.40 का नीचे में स्टॉप लॉस लेना है, और ऊपर में स्टॉक आपको अच्छे लेवल दिखा सकता है, 17+ के लेवल फिर से दिखा सकता है। और अगर आप लोग एक बड़ा स्टॉप लॉस लेकर चलना चाहो तो नीचे में 1475 का आप लोग ना एसएल लेकर चल सकते हो। थोड़ा शॉर्ट टर्म आप लोग जो है इसको 15-20 दिन या फिर एक महीने के लिए होल्ड करके चल सकते हो, तो आपको 1475 का नीचे में एसएल लेना पड़ेगा। तो ये दो है, ये तो भाई आप देखोगे 3-4 दिन के लिए है, ठीक है, और ये आपको देखने को मिल सकता है बजट तक, यानी जनवरी के अंदर तक का जो एसएल है वो आपको 1475 का लेना चाहिए, और ऊपर में स्टॉक आपको 20+ के लिए दिखा सकते हैं। और जो 1540 का लेना चाहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1 वीक के लिए आप लोग जो है इसको देख सकते हो। 1540 का लेवल आपको जो है अच्छा बताया जा रहा है, ये अच्छा सपोर्ट है, यहाँ स्टॉक फिर से घूम सकता है। तो इसके लेवल्स रहेंगे। अगर बात करें इसके कल के रेजिस्टेंस को लेकर, तो हमारा जो कल का रेजिस्टेंस रहेगा, आज का जो हाई है 16.90 रुपये के आसपास रहा है, तो ये हमारा कल का रेजिस्टेंस रहेगा। और ऊपर में टारगेट्स की बात करें तो 17+ के स्टॉक आपको ऊपर में जाते हुए नजर आने वाला, यानी जो लेवल है 17.5 के अराउंड, देन आप देखोगे यहाँ पर ये स्टॉक आपको जो ना भी दिखा सकता है, ये 17.50 रुपये का है। तो यहाँ तक स्टॉक हमें अपने जो रिटर्न है वो ऊपर में दिखा सकता है। तो कल का जो लेवल है वो टूटना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, जो कि 16.90 रुपये के अराउंड देन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद देखो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।